गुड मॉर्निंग बच्चों, कक्षा 3 गणित में आज हम अभ्यास 2.6 के प्रश्न हल करेंगे। तो देखिए कि निम्नलिखित सवालों को हल कीजिए। तो इसमें कुल 12 सवाल हैं। अब ये संख्या देखिए, दिख रही है ना आपको, ये 1, ये 2, ये रोमन अंक हैं, ये 3 है, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7वां सवाल हो गया, ये 8 नंबर है, ये 9 ऐसे लिखते हैं, 10 इस तरह से, फिर 11 इस तरह से और 12 इस तरह से। 10 के आगे जैसे 1 लिख दिया तो ये 11, 10 के आगे 2 लिख दिए तो ये 12। तो ये रोमन अंक है। कुल 12 सवाल हैं। पहला प्रश्न देखिए इसका, 79 + 38। तो पहले प्रश्न लिख लेंगे, 79 + 38, यानी 79 में 38 है ये जोड़ने हैं। तो देखिए, दो अंकों की संख्या जोड़नी है। तो दो अंक स्थान कौन से हो जाएंगे, इकाई और दहाई। तो 79 में देखिए 7 दहाई है और 9 इकाई है। इसी तरह से 38 में 3 दहाई और 8 इकाई। अब इन दोनों को जोड़ देंगे। तो देखिए, पहले इकाई में इकाई का अंक जोड़ेंगे, 9 में 8 जोड़ेंगे। तो दोनों में से जो अंक छोटा है उसकी लाइनें खींच लीजिए या अंगुलियों पर निशान लगा लीजिए। तो जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 निशान लगा, लाइनें खींच ली। अब 9 में ये 8 जोड़ने हैं, तो 9 से आगे इनको गिनते जाइए। 9 के बाद में ये मिलाया तो 10, ये 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17। 9 और 8 17 होते हैं। 17 में इकाई का 7 इकाई के नीचे लिखेंगे और 1 दहाई की लाइन में हासिल के रूप में लिख देंगे। अब देखिए, 7 में 3 जोड़ने हैं और फिर हासिल जोड़नी है, तो दोनों में छोटा अंक 3 है, 3 लाइनें खींच लेंगे। अब देखिए, 7 में जोड़ने हैं 3, तो 7 के आगे 8, 9, 10 और 1 हासिल कितने होंगे, 11। तो 79 में 38 जोड़ेंगे, 117। इसी तरह से दूसरा प्रश्न है, 45 + 54। तो इकाई और दहाई दो अंकों की संख्या है, तो 45 में देखिए 4 दहाई और 5 इकाई। इसी तरह से 54 में 5 दहाई और 4 इकाई जोड़ देंगे। पहले इकाई में इकाई जोड़ेंगे, तो 5 में 4 जोड़ने पर देखिए 4 लाइनें खींच लीजिए, 2, 3, 4। 5 में 4 जोड़ेंगे तो 5 में ये मिलाया 6, ये 7, ये 8, ये 9, 9 होगी। अब 9 देखिए, एक अंक की संख्या, यानी इसमें इकाई है, दहाई तो है ही नहीं, तो यानी इसकी हासिल नहीं होगी, ये हासिल वाला सवाल नहीं है, सीधा जोड़ है। तो 5 और 4 हो गए 9, हासिल इसकी है नहीं। फिर 5 और 4 वही कितने हो जाएंगे, 9। तो 45 में 54 जोड़ने पर 99। तो सभी प्रश्न इसी तरह के हैं, कुछ मैं आपको हल करवाऊंगी, बाकी आप स्वयं हल करेंगे। तो ध्यान से देखिए, जैसे इसके बाद में देखिए इसका 5वां प्रश्न देखिए, 89 + 37। तो वही दो अंकों की संख्या है, तो इकाई और दहाई। अब 89 में देखिए दहाई कितना है, 8 और इकाई के स्थान पे 9 लिख देंगे, और 37 में 3 दहाई और 7 इकाई, इस तरह से लिख लिया। अब इनको जोड़ देंगे। तो देखिए, पहले इकाई में इकाई जोड़ेंगे, तो 9 में 7 जोड़ने पर, दोनों में छोटा 7 है, 7 निशान लगा लेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। 9 में जोड़ना है तो 9 के आगे 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16। 9 और 7 16। 16 में देखिए दो अंकों की संख्या है, इकाई का अंक 6 इकाई के नीचे और दहाई का 1 है, ये दहाई की लाइन में हासिल लग जाएगी। अब 8 इन दहाई के तीनों अंकों को जोड़ेंगे, तो 8 में 3 जोड़ेंगे, तो देखिए 8 के बाद 9, 10, 11, 8 और 3, 11, 11 में 1 हासिल जोड़ देंगे, 12। तो दोनों को जोड़ने पर आ जाएगा 126। इसी तरह से जैसे 9वां प्रश्न देखिए, ये वाला 87 + 70। तो वही दहाई और इधर इकाई, तो 87 में देखिए दहाई के स्थान पे 8 और इकाई की जगह पे 7। 70 में देखिए 7 दहाई है और इकाई है 0। जोड़ेंगे तो देखिए 7 में
जीरो जोड़ेंगे तो कितना आएगा, सात ही रहेगा, जीरो का मतलब कुछ नहीं। अब आठ और सात जोड़ेंगे तो आठ और सात कितने हो जाएंगे, आप लाइनें खींच लीजिए, सात लाइनें खींचेंगे, तीन चार पाँच छः सात, आठ में जोड़ने तो आठ के आगे ये मिलाएंगे नौ, ये दस, ये ग्यारह, बारह, तेरह, चौदह, पंद्रह। तो आठ में सात जोड़ने पर कितने होंगे, पंद्रह का पंद्रह आ जाएगा यहाँ पर। तो इसमें देखिए कुछ हासिल वाले सवाल हैं और कुछ बिना हासिल वाले सवाल हैं। इसी तरह से जैसे ग्यारहवां प्रश्न देखिए, निन्यानवे प्लस ग्यारह, तो वही लिखेंगे इधर इकाई और इधर दहाई, निन्यानवे में नौ दहाई है और नौ ही इकाई है, ग्यारह में भी एक दहाई है और एक इकाई है, दोनों को जोड़ देंगे तो नौ में एक जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, दस, दस का ज़ीरो इधर इकाई के स्थान पे लिखेंगे और दहाई का एक इधर दहाई के लाइन में लिखेंगे, हासिल लग जाएगी एक की, तो नौ और एक दस, दस में एक और मिला देंगे तो कितने हो जाएंगे, ग्यारह, तो निन्यानवे में ग्यारह जोड़ने पर आ जाएगा एक सौ दस। इसी तरह से इसका अब लास्ट प्रश्न और देख लीजिए, बारहवां, छियासी प्लस अठहत्तर, तो छियासी और अठहत्तर इसके नीचे लिखेंगे इस तरह से। अब देखिए आठ में छः जोड़ेंगे तो छः, एक दो तीन चार पाँच छः लाइनें खींच ली, आठ में जोड़ने तो आठ के बाद नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह, चौदह का चार यहाँ पर और एक इधर हासिल लगा देंगे। फिर आठ में सात जोड़ने तो देखिए आठ और सात अभी हमने जोड़ा था कितने होते हैं पंद्रह, आठ और सात पंद्रह, पंद्रह में एक हासिल जोड़ देंगे तो सोलह, तो छियासी और अठहत्तर को जोड़ने पर आ गया एक सौ चौंसठ। तो इसी तरह से ये सारे सवाल हैं, तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे और इन प्रश्नों को हल करेंगे। धन्यवाद।